सरकार चाहे लाख कोशिश करके देख ले, लेकिन अधिकारी योजनाओं को ठीक से अमली जामा नहीं पहनने देते। एक मामला आया टीकमगढ़ से, जहां सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत गरीब बस्ती के लोगों के लिए शौचालय बनाया था ताकि वो उसका इस्तेमाल करें, खुले में शौच से गंदगी न फैले, लेकिन सार्वजनिक शौचालय पर करीब 1.5 साल से ताला लटका हुआ है और सुध लेने वाला देखने वाला कोई भी आसपास नजर ही नहीं आता। वही मामला सामने आने के बाद अब अधिकारी वही रटी रटाई बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत समस्या है भैया, वो खोलते ही नहीं है और परेशानी होती है, हम खुले में जा। पार्षद भी इससे अभी कहा तो वो कुछ सुनते नहीं है। मोहल्ले में तुम देख लो जी, इतने तो हम सरकारी घर रहेंगे, वो तो कितने लोग रहेंगे? कम से कम 500-600 आदमी तो होंगे। सभी लोग बाहर जाते, सब बाहर जाते, नगर पालिका में जाते तो वो बोलते हैं कि वो बन जाएगी, फलाना ना सुनाई नहीं देते। पार्षद तो ठाणे देते हैं, पार्षद भी है, नालियां तक तो बनी नाली भी है, उधर लड़ाई कितनी होती है हमारे उधर, नाली के पीछे होती है, सब होती है, हमारा पिट्टी भाई सब भाई, उसमें हमारा क्या करें बताओ। वैसे तो सुचारू रूप से चलना चाहिए क्योंकि वही एक सार्वजनिक जगह है जहां पे बाहर से जो लोग आते हैं उनके उपयोग की है, और यदि ऐसा है कि कहीं नहीं चल रहे हैं या कोई दिक्कत है तो मैं दिखवाता हूं, नगर पालिका के जो स्वच्छता प्रभारी हैं उनकी जिम्मेदारी है। बीड़ी कॉलोनी में जो सार्वजनिक शौचालय होगा यदि वो नहीं चल रहा है तो उसकी भी अलग से जाँच करवाता हूँ सीएमओ।